ये टीवी के एक नए बाहुबली लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि उनके पास पीएमओ में एक्सेस है, होम मिनिस्टर की के यहाँ एक्सेस है, तो वो कुछ भी टीवी पे बोल सकते हैं, है ना। और चूंकि उनके पास स्क्रीन है जिसमें लाल पीला लगा के ट्रेटर फ्रेटर ये सब ट्रैक्टर और जीप नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया की शर्मनाक हरकतें और उनकी लेटेस्ट इंसल्ट दिखाई जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। वुड यू रवीश प्लीज हैव अ सीट। रवीश प्लीज सिट सिट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तालियों का और आपने इतना प्यार दिया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या करें सर, करें क्या, जो बाकी जो आपने ही टर्म दिया है गोदी मीडिया, और जिस दिशा में मीडिया निकल रही है क्या किया जाए, जिस किस्म की हेडलाइंस आती हैं क्या किया जाए उनका? उनका तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोगों को अपना काम करते रहना पड़ेगा। अगर हम जो भी यकीन करते हैं आज इस समय में, जो थोड़े बचे खुचे लोग हैं उन सबको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और एक के बदले 11 से 11,000 होने की ज़रूरत है। टीवी ने सचमुच बहुत नुकसान किया है। ख़ासकर मैं देख रहा था, कुछ दिनों के लिए बाहर था, कि एक एंकर अपर्णा सिन्हा जिसका नाम अर्णव गोस्वामी है हाँ, मैं ऐसे बात नहीं करता, वो उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, नाम लेके करना चाहिए। तो अपर्णा सिंह का कुछ वीडियो चल रहा है और वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं उसको करके, और वो धमकी दे रहे हैं, ललकार रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस राज्य से मैं आता हूँ वहाँ मैंने एक से एक बाहुबली देखे, वो कभी बंदूक चलाते थे कभी कुछ चलाते थे, लेकिन इस तरह की हरकत मैंने कभी नहीं देखी। यानी कि ये टीवी के एक नए बाहुबली लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि उनके पास पीएमओ में एक्सेस है, होम मिनिस्टर की के यहाँ एक्सेस है, तो वो कुछ भी टीवी पे बोल सकते हैं, है ना। और चूंकि उनके पास स्क्रीन है जिसमें लाल पीला लगा के ट्रेटर फ्रेटर ये सब ट्रैक्टर और जीप ये सब लिख सकते हैं उसके बारे में, थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए ना। और अगर वो अच्छा है तो फिर उसी सैंपल को स्कूलों में बांट देना चाहिए कि स्कूलों में इस तरह से बात करना सिखाया जाए। इस तरह से मतलब हमारे यहाँ अभी तक तो जितने भी बदमाश लोग पैदा वो हिंदी बोला करते थे लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश वाले बदमाश अब पैदा हुए। भाषा देखिए ना, वो हम तो सोचते थे कि अंग्रेजी बोलने में थोड़ा कल्चर आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, थोड़ा यू नो हाँ, थोड़ा शेक्सपियर साहब आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे और कांटा छुरी चम्मच आ जाएगा। मतलब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो भाषा है अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल जो है वो रफियन तरीके से की जा सके। अच्छा है, ठीक है, हम ऐसे अंग्रेजी का नुकसान नहीं कर सके, लेकिन इस तरह से अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी का नुकसान करें तो हमारा तो फायदा है इसमें। तो डरावना है, ले हम लोग और मार्जिनलाइज्ड होंगे, है ना, उसकी चिंता नहीं करनी है। ये बात, ये अवार्ड नहीं मिला होता तो भी मैं यही बात कर रहा होता कि हम सबको अपनी अपनी ज़मीन पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहनी चाहिए। सो इज देयर अ वे टू एक्चुअली मेक मीडिया एंड दैट गोदी मीडिया अकाउंटेबल? नहीं, उसका कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये राजनीति बदलेगी नहीं, आप इस टीवी को अब नहीं बदल सकते, क्योंकि ये टेलीविज़न उसका एक्सटेंशन है, और ये अब मीडिया लोगों की तरफ से नहीं है, ये सरकार की तरफ से है और सरकार के लिए है और सरकार के द्वारा संचालित है एक तरह से। तो इसमें हम तो अब नहीं बदल सकते हैं, लोगों को ही बदला जा सकता है, उन्हीं से कहा जा सकता है कि आप ये जो देख रहे हैं इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये न्यूज़ चैनल वाले जिसको हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं, सीधा सीधा बोलना चाहिए कि अगर मुसलमानों को लेकर अगर इस तरह की धारणाएं फैला रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी में डर पैदा कर रहे हैं, और उन बच्चों को जिन्हें अभी समझने की ज़रूरत है, जब बड़े लोग भी, उन सब में एक कम्युनलाइजेशन की प्रक्रिया को वो रीइंस्टेट कर रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं ना। तो जब आप कम्युनल हो जाएंगे, मैं तो लड़कियों की चिंता करता हूँ कि उनकी शादी होगी कैसे कम्युनल लोगों के साथ, बाप रे बाप, अरे तो डर भी लगता है कि होगा क्या। मतलब इस दुनिया में अगर आपके बच्चे इस तरह से मुसलमानों के प्रति नफरत को पालते पालते बड़े होंगे
वो किसी पार्टी को वोट दे सकते हैं उसके बगैर भी, आप बिना नफरत किए हुए भी बीजेपी को वोट दे सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कम्युनलाइजेशन अब जाएगा नहीं, क्योंकि ये वेपन है और इसके बदले सरकार को बहुत फ़ायदा होता है और ये एक वॉल बन गया है, क्योंकि ताकि जो रियल इश्यूज़ हैं वो उठ के ना आएँ और वो मल्टीप्लाई ना करें। तो जो जहाँ है और वो लाखों की संख्या में है तो नंबर मीनिंगलेस होता जा रहा है। स्वरा अभी देखिए कि रेलवे के बहुत सारे कॉरपोरेशंस में मार्च हो रहे हैं, लोग रोज़ दोपहर को लोग निकलते हैं और मार्च करते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट है, लेकिन अब वो लोग क्या हैं, वो कंज्यूमर हैं उसी मीडिया के, उसी मीडिया को देखते हैं, अब कहीं कवरेज नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन में अपना ही वीडियो बना के व्हाट्सअप कर रहे हैं सब आपस में और कुछ मुझे भेज देते हैं, बाकी सब वो कहीं खो जाता है। तो ये लोग जो है, तो टेलीविज़न क्या कर रहा है, मीडिया क्या कर रहा है कि लोगों को एलिमिनेट कर रहा है और पावर को, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से बना दिया है कि अब लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बदलेगा क्या, इतने सारे चैनल को हम नहीं बदल सकते हैं। खासकर ये बड़ा शर्मनाक है कि हमारा कॉरपोरेट उन सब चैनलों को, उन सब कार्यक्रमों को स्पॉन्सर करता है जो धर्मांधता, जिंगोइज्म, और ये दुनिया को बताना चाहिए कि ये लोग जो ब्लैक सूट में पहन के मैगजीन के कवर पे हीरो बन के आते हैं, दरअसल ये लोग सारे कम्युनल बिगट्री, जो ये सारी चीज़ें हैं, ज़िनोफोबिया, फोबिया है, इन सब को स्पॉन्सर करते हैं। और हमने अभी अपने कॉरपोरेट के ये हीरो लोगों को बोला नहीं अभी तक कि भाई आप कर क्या रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को हिंदू मुस्लिम सिखाएंगे। इस पर एक सेशन मीडिया रंबल पे है, डू एडवर्टाइजर्स केयर फॉर द क्वालिटी, इज दैट सेशन टुडे? इट्स टुडे दैट डू, नहीं नहीं, क्वालिटी तो दूसरी चीज हो गई, उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई आप कम्युनल प्रोग्राम को आप स्पॉन्सर करते हैं, वो अलग चीज हो गई। क्वालिटी तो हमारा खराब हो सकता है, आपका थोड़ा अच्छा हो सकता है। क्वालिटी इट्स अ यूफेमिज्म फॉर व्हाट यू सेइंग, बट वी थॉट वी'ड कीप इट पोलाइट। लेकिन ये नहीं बदलने वाला, क्योंकि इन सब चीजों के लिए आज बहुत स्पॉन्सरशिप है। जितने भी ये सब न्यूज फैलाने वाले लोग हैं, कम्युनल चीजें फैलाने वाले हैं, इनको सैडली हमारा कॉरपोरेट बहुत सपोर्ट करता है। और कहना चाहिए कि हमारा कॉरपोरेट बहुत ज्यादा कम्युनल हो गया है, क्योंकि उसका पैसा अगर इस तरह के कम्युनल प्रोग्राम में, अगर स्पॉन्सरशिप में जा रहा है, तो ये सिर्फ टीआरपी का मामला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो घरों में टीवी नहीं देखते हैं और सब कुछ मीटर ही सही बोल रहा है। अगर मीटर की ही बात है तो आप कुछ भी दे दो, तो फिर आप किसी मर्डरर को दे दीजिए। बहुत सारे बाहुबली बहुत अपने अपने इलाके में पॉपुलर होते हैं, तो जाके उन्हीं को आप अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए, आपका कुकर, आपका बिस्किट सब बिकता रहेगा। बट सर वो तो मुड़ के आपको यही बोलेंगे ना कि भाई हमें, बट वो तो मुड़ के यही बोलेंगे ना भाई हमें तो अपना, हमें तो बेचना है, हमें तो वो प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और अगर इस देश में जो सरकार आ रही है और जिस मैंडेट के साथ आ रही है, तो कॉर्पोरेट वाला तो बोलेगा कि भाई मेरी दुकान क्यों बंद करा रहे हो तुम। मेरी दुकान तो उनकी और भी कहीं चल सकती है, आप बाहर, उनका कुछ तो स्टैंडिंग होनी चाहिए। आप अमेरिका का उदाहरण देख लीजिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो ये कहती हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को स्पॉन्सर नहीं करते, हम नहीं देते, तो इनका अपना कुछ भी एथिक्स नहीं है। कुछ तो होना चाहिए ना इनका, और ये सवाल तो पहले उठना चाहिए ना कि ये इन सब इतने बड़े बड़ी चीज़ों का, इस तरह से कम्युनल और इस तरह से हेट्रेड फैलाने वाले कार्यक्रमों का न्यूज़ एंकर, जिसकी भाषा लैंग्वेज देखिए कि कितना, मतलब कितनी संभावना हो गई कि उसमें आप वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं लैंग्वेज में, तो उसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं खुद भी कल से देख रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं जो पूरी रात भर मुझे मैसेज भेजते रहे, और 8,000-9,000 मैसेज है, और अच्छे सारे अच्छे आजकल कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि सारे ट्रोल्स शिमला गए हैं छुट्टी पे कल से तो कल कोई ट्रोल आया ही नहीं। और जो पहला मैसेज आया मैं डर गया, जिसने मुझे सबसे पहले ट्रोल किया था उसका नंबर सेव है मुझे, उसने ही मुझे बधाई दी, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका शो देख देख के उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो मुझे, मैं खोलने से पहले सोच रहा था कि ये जरूर इसमें गालियां होंगी, लेकिन वो अच्छी बातें उसने लिखी थी कि मुझे बड़ा गर्व है। फिर मुझे लगा कि शायद ये इतने दिनों में भूल गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं उम्मीद है लोगों को ही, चूँकि गलत जानकारी दी गई है, सही बात बताने से लोग बदलते हैं। और मेरे पास कुछ नहीं तो मैं दिखा सकता हूँ, अब पहले बहुत सारा मैं तो डिलीट कर दिया और चिट्ठियाँ रख नहीं सकता कितना रखूँगा, पर तब भी 400-500 हज़ार चिट्ठियाँ मेरे पास हैं जिसमें लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपोलोजाइज़ किया है कि वो इस तरह से वायलेंटली आपके बारे में सोचते थे, वो अब नहीं सोचते हैं। और ये नॉर्मल बात नहीं है, मैंने तो उनसे नहीं कहा कि आप मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन लिखना किसी को कि हम आपके बारे में ऐसा ऐसा सोचते थे, मार देने की बात करते थे, मैं खुद गालियाँ देता था पर अब मैं नहीं देता हूँ, मुझे अफसोस होता है, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ बड़प्पन नहीं है,
हर किसी में बड़ा होने की संभावना है, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा कंपैशनेटली उनसे डील करें, बात करें उनको अच्छे से, तो वो बदलाव होगा, क्योंकि कोई इतना वायलेंस लेके कोई रह नहीं सकता है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।